आज एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर अब चिंता ही नहीं बढ़ रही है, लेकिन अब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना के आंकड़े, मौत के आंकड़े सब बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पुणे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू कह रहा। को लेकर चलते हैं, यहां पर अश्विनी मेरे साथ हैं। अश्विनी, पुणे में यह खबर आ रही है, क्या यह चीज अब पुणे से एक्सटेंड होगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही है कि आज जब मुख्यमंत्री 8:30 बजे लोगों के सामने आएंगे और बातें रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि मुंबई को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाना है, महाराष्ट्र के और जो जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाना है। कल इस बात की संकेत किशोरी पेडणेकर, जो मुंबई की महापौर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुंबई में जो ट्रेनों में सभी को अनुमति दी गई है, हो सकता है कि सरकार इस पर जल्द ये फैसला ले कि जो पहले इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े जो लोग थे उन्हें परमिशन दी गई थी, उसी की तरह इस बार भी ऐसा कुछ किया जाए। इसके अलावा आपको याद होगा निशान, जब लॉकडाउन के बाद मिशन बिगिन अगेन एक जो है तैयारी शुरू की गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तब उसमें कहा गया था कि शुरुआत में जो दुकानें हैं सड़क के एक साइड की दुकानें एक दिन खुलेंगी, दूसरे साइड की दुकानें दूसरे दिन जो है खोली जाएंगी, वो पद्धति जो है इस बार फिर से लाई जा सकती है। आज एक बैठक है 4:30 बजे मुख्यमंत्री की राज्य के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, और इसमें ही फैसला लिया जाएगा कि मैं आ रहा हूं उस खबर पर क्या कुछ रणनीति अपनानी है। आपको याद दिला दूं, मैं आ रहा हूं उस खबर पर, आप मेरे साथ बने रहिए। आप लॉकडाउन की वापसी, आइए सीधे दिखाएं जरा यहां पर जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आइए जरा प्ले करें इसको यहां पर, जो जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, इस इंफॉर्मेशन को मैं आपको दिखा दूं, जरा ध्यान से देखें आप। लॉकडाउन की वापसी, पुणे में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 32% से ऊपर चली गई है इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, साप्ताहिक बाजार 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे, यहां पर ये इंफॉर्मेशन है। दूसरी जानकारी जो हमारे सामने, स्कूल कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज पर आज हम बहुत खास कवरेज आपको दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर 10वीं 12वीं और MPSC की परीक्षाएं तय समय पर होंगी, कैसे होंगी चिंताजनक बात है। नेक्स्ट चेंज करें, अगले 2 दिन में 75 से 80 हजार वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।